बहुत कुछ सिखाया होगा। और हमसे एक सवाल पूछते हैं बहुत सारे लोग आके कि मैंने तो कभी गलत नहीं किया कुछ भी, तो मेरे साथ गलत क्यों हुआ? एक सवाल पूछते हो आप लोग, मेरी किडनी क्यों खराब हुई, मेरा लीवर क्यों फेल हुआ, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे शुगर क्यों हो गई, मैं तो ना चाट पकौड़ी खाती हूँ, ना मैं रेडी का खाती हूँ, मैं तो बाजार जाती भी नहीं, फिर भी मुझे क्या शुगर हो गई, मुझे बीपी हो गया, करते हो ना आप लोग सवाल। तो अभी हम कोशिश करेंगे अगले कुछ मिनट में दोबारा आप लोगों के सवालों के जवाब लेने की, कि हम आपको इसके आंसर दें कि कैसे हम आपको इससे आंसर आएगा ना आपके मन में, ठीक है? तो पहले मुझे बताओ आप में से सीकेडी के पेशेंट, किडनी प्रॉब्लम वाले पेशेंट कितने हैं? लगभग मान लू तो 50% है ना, ठीक है। शुगर किस किस को है? शुगर वाले भी लगभग 15 लोग हैं। ब्लड प्रेशर, जिनका कंट्रोल नहीं हो रहा हो या गोली खा रहे हो, कंट्रोल ना हो रहा हो या गोली भी खा रहे हो तो भी चलेगा, 15-20 हो गए। ओके, कैंसर वाला कौन है आप में से? कैंसर दो लोग कैंसर वाले हो गए। ओके, और बाकी क्या प्रॉब्लम वाले लोग हैं, एक बार आइडिया दे दो तो मैं उसी हिसाब से अपनी बात बताऊं। लीवर सिरोसिस, लीवर प्रॉब्लम वाले कितने लोग हैं? लीवर प्रॉब्लम वाले, लीवर फेल हो, लीवर फैटी हो, लीवर फाइब्रोसिस हो, पेट में पानी भर रहा हो, 4 लोग हैं। ओके, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो गई। ओके, और ब्लैडर और प्रोस्टेट सेम प्रॉब्लम होती है, ठीक है? वेरिकोज वेन्स इनको है। ओके, और नी पेन। आप लोग बैठ जाओगे, सारे बैठ जाओ, बैठा दो सबको। घुटना दर्द किसका है? घुटना किसका प्रॉब्लम है? 1, 2, 3, 4, 5 अच्छा, घुटने वाले ज्यादा है, 6-7 लोग है। मतलब डॉक्टर ने घुटना ऑपरेशन के लिए किसको बोला आप में से? ओके, एक बार आप चल के दिखाना जरा, एक बार चलो। अब आप लोग ध्यान से देख लो, इनको डॉक्टर ने घुटना बदलने के लिए बोला है, ठीक 20-25-30 दिन बाद यही लेडी पूरी स्पीड से चलेगी और डॉक्टर घुटना कैंसिल कर देगा, चेंज करना, मतलब यही घुटना ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए आपके सामने एक पेश कर रहा हूँ सैंपल के तौर पे, आप आइडिया लगा लो, इनकी शक्ल याद कर लो कि घुटना बिना ऑपरेशन ठीक कैसे होगा, आप लोग भी देख लेना, हो जाएगा ठीक आपका, ठीक है? थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सारी प्रॉब्लम, जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, जिसको भी जो भी है, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। हाँ, नहीं कराएंगे, नहीं, आप दवाई भी बंद करा के ऐसे ठीक करेंगे। अभी जो मैं आज मेरा जो सेक्शन है ना, वो आपको घर पे कैसे ठीक करना है वो सिखाऊंगा मैं। मतलब कुछ दिन के लिए हो सकता है आप में से किसी को हॉस्पिटल आना पड़े या हमारी अंधेरी क्लिनिक या थाने क्लिनिक जाना पड़े, लेकिन उसके बाद घर पे क्या होमवर्क करना है ताकि आप लाइफ में कभी दोबारा डॉक्टर के पास ना जाए, ठीक है? थैंक यू।